Let us go on with environment, lesson number 5th. I hope you people have done at least this activity to gather seeds and to make this chart. How much seeds are there, how many, which is the biggest size of your collected seed, which seed is of smallest size, what is the texture of seeds and all, which last video we discussed about, right? Now on page number 47, we have new topic, that is wandering seeds. See, wandering seeds matlab kya? See, plants ek jagah se dusri jagah move nahi kar sakte, right? To fir wo ek jagah se, matlab ek tarah ke plants alag alag jagah par dekhne ko milte hain, alag alag place par dekhne ko milte hain, right? How? No one is sowing the seeds. कोई भी सीड को सो नहीं करता. आई एम टॉकिंग अबाउट दोज प्लांट्स विच यू कैन सी ऑन साइड्स ऑफ रोड्स एंड इन फॉरेस्टेड एरियाज एंड बुशेज एंड ऑल. अब उनको कोई भी सो नहीं करता, दे ग्रो ऑटोमेटिकली. बट हाउ दे ग्रो, क्योंकि सीड्स धरती में सीड्स जाएंगे तभी तो वो ग्रो करेंगे, राइट? तो वो जो ग्रोथ है दैट इज डन बाय वंडरिंग सीड्स. अंडरस्टूड? सीड्स जो एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हैं. नाउ यू विल थिंक कि सीड्स कैसे मूव होते हैं, क्योंकि प्लांट्स मूव नहीं होते, तो इसका मतलब ह्यूमन बींग्स ही हैं जो सीड्स को वन प्लेस टू अनदर लेकर जाते हैं. नो, देर आर सो मैनी अदर वेज ऑल्सो बाई विच सीड्स आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. विच आर द वेज? फॉर एग्जाम्पल, देर आर मैनी सीड्स विद वेरी लाइट वेट, बहुत उनका वजन बहुत कम होता है, तो विद अ ब्लो ऑफ विंड दे ऑल्सो ब्लो. ओके, वो भी जहाँ पर मतलब से लाइक सपोज ट्रीज पर होते हैं तो वो भी उड़ते हैं. ओके, आपने कई बार देखा होगा, इफ़ यू पास फ्रॉम एनी बिग ट्री, बिग और स्मॉल ट्री, यू माइट हैव सीन सो मैनी यू नो स्मॉल स्मॉल लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ ट्रीज जस्ट ग्लोइंग विद विंड. जिनका भी वजन बहुत हल्का होता है वो ट्री से टूट जाते हैं और हवा के साथ उड़ते हैं, उड़कर वो दूसरी जगह गिर जाते हैं. अंडरस्टूड? तो वहाँ पर अगर वो अच्छे से मिट्टी में ऑब्जर्व हो और वहाँ पर अच्छे से नेचुरली उनको वाटर मिल जाए तो ऑब्वियसली एक नया प्लांट खड़ा हो जाता है. ओके, सेम वे सेलेक्ट सपोज when birds, you might have seen birds taking grains in their beak. अब वो birds grains लेकर जब fly करते हैं, many time while flying if that seed, if that grain will fell down on the ground, okay, and if that ground is suitable to plant tree, तो obviously वहाँ पर भी tree हो जाएगा. Understood? So that is the second way. By animal, by birds also seeds are spreaded here and there. First way was by wind. Yes, hawa ke saath and birds ke saath. Now third I can say, you might have seen a few animals, especially dogs and especially buffaloes and cows. When they go na, aap kabhi bhi dekhna, unke body par na ek small small chote chote se kuch matlab kaanto jaise lag jate hain, right? तो वो जो चीज़ होती है दोज आर ऑल्सो सीड्स. ओके, जब एनिमल्स काउस बफेलोज एंड ऑल वेन दे पास ऑन फ्रॉम बुशेज, सो सम सीड्स गेट स्टक इन देयर ऑन देयर बॉडी एंड वेन दे गो ऑन अनदर प्लेस एंड वाइल वॉकिंग फ्रॉम काउ और बफेलो, इफ दोज सीड्स विल फेल डाउन ऑन ग्राउंड देन ऑल्सो सीड्स आर स्प्रेडिंग. येस और नो? तब भी सीड्स स्प्रेड हो रहे हैं. सो इन शॉर्ट, सीड्स स्प्रेड होने के कई अलग अलग रीजंस हैं. इट्स नॉट दैट ह्यूमन बींग इज टेकिंग सीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सीड्स आर वंडरिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद हेल्प ऑफ वाटर, देन एनिमल्स, देन विंड. अंडरस्टूड? बर्ड्स एक्सेट्रा. अब वाटर की मैंने बात की. लेट्स सपोज इफ ऑन रिवर साइड पे जो ट्रीज होते हैं उन ट्रीज के लीव्स या उनपे होते कुछ भी मतलब वो बर्ड्स
एक्सेट्रा इफ इट फॉल्स इन वॉटर, वॉटर इज मूविंग वॉटर राइट, तो वो मूविंग वॉटर के साथ आगे बढ़ जाएंगे तो ऑब्वियसली वो भी किसी एक किनारे पर जाकर रुक जाएंगे, वहां से भी ट्री ग्रो होगा. अंडरस्टूड? सो देयर आर सो मेनी वेज बाय विच सीड्स आर वंडरिंग. लेट अस रीड पेज नंबर 47, आवर लास्ट पैराग्राफ ऑफ इट. प्लांट्स कैन नॉट मूव अराउंड, वंस दे ग्रो दे रिमेन इन द सेम प्लेस, बट देयर सीड्स आर ग्रेट ट्रेवलर्स, दे कैन रीच फार एंड वाइड. लुक एट पिक्चर 1 ऑन द नेक्स्ट पेज एंड सी द फ्लाइंग सीड्स. सी यू कैन सी फ्लाइंग सीड्स इवन हेयर ऑल्सो. See here, near the plant, near this tree, you can see this brownish particle flying, right? And on the next page as well, you can see these seeds might be very lightweight, जो हवा के साथ ही उड़ जाते हैं. And here you can see this dog with certain things on his body. That is what I told, when it passes from any bushes and all, so its body takes some birds and some things from plants, and by walking those things fell down from body and plants and bushes grow. Okay, have you ever seen any seed that can fly? Kya aapne kabhi dekha hai koi seed fly karta hua? What is it called in your area? Aapke area mein usko क्या करेंगे? Now, look at your seed collection. Guess how many of those could have travelled by flying? See, if you have done the activity of our last video to do collection of seed, you can just see, imagine कि इनमें से which seed might have fly, okay, flew. कौन सा seed fly करके one place से another move हो सकता है? Look at picture 2, this seed cannot fly. See on picture number 2, this seed cannot fly. But it can still travel by sticking on to the fur of animals or on our clothes. In this way, it gets a free ride. Did you get any new idea from these seeds? Read about the idea of Velcro came in George Mestral. Now जॉर्ज मेस्ट्रल को वेलक्रो का आइडिया. एक्चुअली वेलक्रो क्या है? वेलक्रो इज द नेम, आई थिंक इट इज अ ब्रांड नेम ऑफ दिस सैंडल्स. लेट अस रीड इट. दिस हैपेंड इन 1948. वन डे जॉर्ज मेस्ट्रल केम बैक फ्रॉम द वॉक विद हिज डॉग. ही वॉज अमेज्ड टू फाइंड सीड्स स्टिकिंग ऑल ओवर हिज क्लॉथ एंड ऑन हिज डॉग्स फर. He wondered what made them stick. So he observed these seeds under the microscope. He saw that these seeds have many tiny hooks which got stuck to clothes and fur. This gave Mestral the idea of making Velcro and made the material with similar tiny hook that would stick. Velcro is used to stick together many things, clothes, shoes, bags, belts and many more. What a way to take inspiration from nature. See, that is Mestral, George Mestral. One day he came after walking, he came to home and then suddenly he saw something stuck on his clothes and on his dog even. So he just picked up that and he just saw that in microscope कि ये body हमारे कपड़ों पर कैसे stick हो गए. तो when he saw in microscope, he observed that thing was having tiny tiny holes which makes them to stick. Okay, so he made Velcro. Velcro एक ऐसा material बोल सकते हैं जो easily slip ना करता हो. Understood? जो एक जगह पे stick हो जाता है. Okay. लाइक आपके सैंडल्स का लोअर पार्ट ऑफ योर सैंडल्स ज़्यादातर स्लिप नहीं होते राइट. इट इज़ हैविंग पर्टिकुलर डिजाइंस ऑफ शेप्स एंड ऑल एंड इट इज़ नॉट स्लिप्ड. इन द सेम वे मैनी टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स, बेल्ट्स एक्सेट्रा विच कैनॉट बी स्लिप्ड, इट रिमेन्स
stuck with cloth nicely, right? So it is good inspiration, na? किसी ने नहीं सोचा होगा कि वो क्लॉथ पे जो वो सीड्स से लगे थे उनसे जॉर्ज मेस्ट्रल को ये आइडिया आएगा और वो वेलक्रो जैसी कोई चीज इन्वेंट करेगा विच विल बी वेरी हेल्पफुल एंड विच विल क्योर पीपल टू बी स्लिप्ड, जो स्लिप होने से बचाए. अंडरस्टूड? ओके, नाउ लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड गेस हाउ द सीड्स ट्रेवल from and reach different places. See, you can see this, right? Squirrel is having seed, bird is having seed, then coconut fell down on water. All these examples I gave, right? अब squirrel seed को तोड़ेगा, उसमें से खाएगा, बाकी का part नीचे गिरा देगा, तो obviously वो seed spread होंगे. Bird also, as I said, right? Some plants spread their seeds over long distances. When the soybean pods are ripe, they burst and the seeds are thrown out. Have you ever heard their sounds? जब ये seeds वो क्रक क्रक करके जब squirrel भी वो seeds को तोड़ते हैं, उनमें से खाते हैं, तो उनकी भी sound अलग से ही आता है. Okay, think what would happen if seed did not spread, remained at one place only. अगर सीड एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड नहीं होंगे तो क्या होगा? ओके, सो ट्रीज अपने आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो नहीं हो पाएंगे, राइट? मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल डिफरेंट वेज बाय विच सीड्स आर स्प्रेड. सो मेक अ लिस्ट बाय विच सीड्स आर स्प्रेड. वी विल जस्ट मेक अ लिस्ट एज आई डिस्कस्ड विद यू ऑल द टाइम्स, लाइक बाय विंड, by sticking on cloth or body of animal, by flowing in wind, right, by flowing in water, by birds, etc. So these 4-5 methods are there by which seeds can be spread. Okay, now the next topic we will continue in our next video. Thank you.